हेलो दोस्तों, मैं हूं इमरान और स्वागत है आपका मेरे चैनल जे फॉर ई टेक, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट एंड टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूं वीवो के नए स्मार्टफोन Y55S का, जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है। तो इस फ़ोन में हमको क्या देखने को मिलेगा और इसके क्या कॉन्फ़िगरेशन है और क्या डिटेल है, ये इस रिव्यू में मैं आज आपको बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, ये फ़ोन हाल ही में लॉन्च हुआ है और ये मार्केट में अवेलेबल है 12,500 रुपये में, और मैंने ये मोबाइल कलेक्शन स्टोर नागपुर से लिया हुआ है, जिसका डिटेल मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से ही इस फ़ोन को ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम इस फ़ोन के ओवरव्यू की। तो इस फ़ोन में जो है, अगर आप देखेंगे तो टॉप साइड में आपको जो है 3.5 mm जैक का हेडसेट जैक मिलता है। बाजू आप जैसे देख रहे हैं माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट है, जो कि 256 GB तक आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके अगर हम राइट हैंड साइड में देखेंगे तो आपको मिलता है वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन, एंड लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको मिलता है डेट इज सिम कार्ड ट्रे। अगर हम इसके बॉटम साइड में देखते हैं दोस्तों, तो साथ में आपको बॉटम में स्पीकर प्लेस किया हुआ है और साथ ही साथ इसमें USB कनेक्टर दिया हुआ है, जिस पर आपका चार्जिंग के लिए जो यूज़ होगा। और इसके साथ यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, ये सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक दिया हुआ है। बैक साइड में अगर हम देखते हैं तो इसमें आपको मिलता है 13 MP का कैमरा विथ LED फ्लैश, जो कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर में प्लेस्ड है, और नीचे पे जो है इसमें वीवो की ब्रांडिंग आपको मिलती है। तो दोस्तों, ये था इसका ओवरव्यू। अभी हम देखते हैं कि इसके सॉफ्टवेयर पार्ट में हमको क्या मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके स्पेसिफिकेशन की। दोस्तों, इसका स्पेसिफिकेशन जो है आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। इसमें आपको 5.2 इंच का IPS LCD स्क्रीन मिलता है। रेजोल्यूशन जो इसका आपको मिलता है दोस्तों, वो है 720p का। स्टोरेज आपको इसमें जो मिलेगा डेट इज 16 GB, जिसको आप 256 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। प्रोसेसर जो इसमें आपको मिलता है डेट इज 1.4 GHz स्नैपड्रैगन 425 प्रोसेसर है, जो कि क्वाड कोर प्रोसेसर है। इसमें आपको जो दोस्तों जो रैम मिलेगा वो मिलेगा 3 GB का रैम, जो कि DDR3 रैम है, नॉट DDR4 एक्चुअली। इस पे जो आपको रियर कैमरा मिलता है वो मिलता है 13 MP का, और जो फ्रंट कैमरा मिलता है वो आपको मिलता है 5 MP का। वीडियो रिकॉर्डिंग, इसमें जो वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है वो आप 1080p तक का ये वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। इसमें जो आपको स्टोरेज मिलता है दोस्तों, वो मिलता है 16 GB का। तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ स्टोरेज, मोर सेटिंग्स में हम जाते हैं, यहाँ पर स्टोरेज में अगर हम क्लिक करते हैं तो जैसे देखिए यहाँ पर आपको 16 GB का स्टोरेज मिलता है, और यूज़र अवेलेबल जो स्टोरेज है वो है 8.67 GB का। इसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है OTG, तो इसमें OTG भी सपोर्ट करता है। तो आप OTG केबल यूज़ करके अपना कोई भी बैकअप पैन ड्राइव या हार्ड ड्राइव पे कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अगर हम OS की बात करें तो इसका जो OS है डेट इज़ फनटच 3.0, जो कि एंड्रॉयड 6.0.1 के ऊपर बेस्ड है। इसका जो बैटरी है दोस्तों, वो 2730 mAh का हमको बैटरी मिलता है, जो कि नॉन रिमूवेबल बैटरी है। और इसके जो कलर्स में ऑप्शन अवेलेबल हैं, एक गोल्ड है जैसे कि ये जो आप रिव्यू में देख रहे हैं, और एक इसका स्पेस ग्रे ऑप्शन आता है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई इसके स्पेसिफिकेशन की। अब मैं इसको आपको फंक्शन इसमें दिखा देता हूँ। जैसे अगर आप इसमें बात करते हैं नोटिफिकेशन पैनल की, जो कि ऊपर इसमें ये नोटिफिकेशन पैनल में से कोई टोगल ऊपर की ओर नहीं दिए हुए हैं, ये ब्लैंक दिया है। इसमें सिर्फ आपको जो नोटिफिकेशन आएंगे वो आपको दिखेंगे। अगर आपको इसके नोटिफिकेशन टोगल एक्सेस करना है तो ये आपको नीचे से ऐसा ऊपर की ओर स्लाइड करना होता है, लाइक दिस। तो जैसे ही आप ये स्लाइड करते हैं तो इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, लाइक आपको ऑफलाइन मोड या फ्लाइट मोड बोल सकते हैं, आई प्रोटेक्शन, वाईफाई कैप्चर, बहुत सारे इसमें आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसमें दोस्तों, ये आई प्रोटेक्शन मोड जो है, इसमें अगर आप क्लिक करते हैं तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आई प्रोटेक्शन मोड जैसे ही ऑन हुआ है तो इसका जो है कलर हल्का सा चेंज हो गया है, हल्का सा जो आपको येलोइश टाइप का दिख रहा है। तो ये इसीलिए दिख रहा है क्योंकि इसका आई प्रोटेक्शन मोड, ये आपके आईज को उतना नुकसान नहीं पहुँचाता है। और जैसे अगर आप डार्क रूम में या लाइट बंद करके अगर आप अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और आई प्रोटेक्शन ऑन आप रखते हैं, तो ये आपकी आंखों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दोस्तों, चलिए अभी हम चलते हैं इसकी सेटिंग में और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं सेटिंग में, यहाँ पर ऑप्शन जो नॉर्मल टिपिकल जो स्मार्टफोन में ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, वो इसके कुछ स्मार्ट फीचर हैं इस फ़ोन में, जो कि इसमें अलग से ऑप्शन दिया हुआ। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे स्मार्ट मोशन है, देन वाईफाई डिस्प्ले, स्मार्ट स्प्लिट, वन हैंड ऑपरेशन, सुपर स्क्रीन शॉट एंड स्मार्ट क्लिक। तो जैसे स्मार्ट स्प्लिट जो है, जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप कोई वीडियो देख रहे हैं या फिर कोई आप फंक्शन यूज़ कर रहे हैं और आपको अगर कोई मैसेज आता है इसमें, जैसे फेसबुक मैसेजेस एंड व्हाट्सएप, ये तीन फंक्शन इस स्मार्ट स्प्लिट में सपोर्ट करते हैं। जैसे देखिए डेमो में दिख रहा है कि अगर आप कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं और अगर आपको
फेसबुक मैसेजेस या व्हाट्सएप से कोई मैसेज आता है तो एक आपको एक फ्लोटिंग विंडो ऊपर दिखेगा जिसमें आप क्लिक करेंगे तो वो स्क्रीन जो है साइड में खुल जाएगा जिसमें आप अपने मैसेजेस पढ़ सकते हैं। दूसरा जो है दोस्तों वो है स्मार्ट क्लिक। स्मार्ट क्लिक में ऐसा है कि लाइक अगर आप इसको ऑन रखते हैं तो जैसे इसमें दिख रहा है सिलेक्ट द फंक्शनैलिटी टू परफॉर्म व्हेन होल्डिंग वॉल्यूम माइनस बटन, तो जैसे इसमें ऑप्शन है टर्न ऑफ फ्लैश लाइट, रिकॉर्ड, ओपन कैमरा, ओपन फेसबुक, इनेबल ऐप, तो लाइक जैसे मैंने इसमें टर्न ऑन एंड ऑफ फ्लैश लाइट रखा हुआ है, तो मान लीजिए अगर मेरा फ़ोन को मैंने लॉक करके रखा है और ये मैं बटन दबाता हूँ तो यहाँ पर ये देखिए फ्लैश लाइट ऑन हो गया और वापस इसी बटन को मैं दबाता हूँ तो ये फ्लैश लाइट ऑफ हो गया। तो ये इसका फीचर इसमें जो दिया हुआ है। इसके अलावा बात करते हैं स्मार्ट मोशन की, तो स्मार्ट मोशन में जैसे आप देख रहे हैं स्मार्ट वेक में लाइक इसमें काफ़ी ऑप्शन है लाइक अनलॉक करने का क्या तरीका है, कैसे आप इसको अनलॉक कर सकते हैं। इसमें जैसे आप देख रहे हैं ड्रॉ सी टू वेक डायलर, लाइक अगर मैं इसको ऑन करता हूँ और अगर मान लीजिए मेरा फ़ोन लॉक है और मैं यहाँ पर सी डायल करता हूँ तो देखिए एक सी का साइन आया और मेरा जो डायलर है वो यहाँ पर चालू हो गया। तो ये इसका बेसिकली जो स्मार्ट फंक्शन का काम है स्मार्ट वेक का वो है। इसके अलावा इसमें एयर ऑपरेशन दिया हुआ है लाइक ब्लैक स्क्रीन ग्लांस जो है दोस्तों अगर मैं इसको ऑन रखता हूँ और इसको फोन को मैं बंद करता हूँ, जैसे फोन मेरा बंद है और अगर मैं इसके हाथ को यहाँ से ऐसा फील करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर एक एट अ ग्लांस ये मेरे को सारे नोटिफिकेशन सारी टाइमिंग्स मेरे को ये बता देगा। तो इसमें जैसे आप देख रहे हैं काफ़ी सारे स्मार्ट फीचर्स इसमें दिए हुए हैं लाइक स्मार्ट वेक, स्मार्ट ऑपरेशन, जैसे इसमें से कुछ मैंने आपको बताया। इसमें अगर आप जैसे देख रहे हैं तो स्मार्ट टर्न ऑन ऑफ स्क्रीन, स्मार्ट कॉल, शेक टू टर्न फ्लैश लाइट, टिल टू जूम पिक्चर एंड स्मार्ट रिमाइंड। सो ये इसमें कुछ ऐसे स्मार्ट फीचर्स इसमें दिए हुए हैं जो कि स्मार्ट मोशन का पार्ट है। अबाउट फोन में जाते हैं तो देखते हैं हमको यहाँ पर क्या मिलता है। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर फ्रंट टच ओएस, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, इसका मॉडल नंबर इसमें दिया हुआ है 1610 वीवो, एंड्रॉयड 6.0.1 पे बेस्ड है। प्रोसेसर जैसे मैंने आपको बताया था 1.4 गीगाहर्ट्ज़ स्नैपड्रैगन 425 क्वाड कोर प्रोसेसर है। सीपीयू रियल टाइम डेटा, इसके क्वाड कोर्स के डेटा इसमें ये दिख रहा है यहाँ पर। तो सॉफ्टवेयर वर्जन, बेसबैंड वर्जन एंड देन काफ़ी इसमें यूसेज टाइम एंड काफ़ी डिटेल दीगर इन्फॉर्मेशन वगैरह इसके अबाउट फोन में आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं इसके कैमरा की, तो कैमरा की क्लैरिटी दोस्तों इसकी बहुत ही अच्छी है एक्चुअली बोल सकते हैं। इसका मतलब लाइक कैमरा जो है 13 मेगापिक्सल कैमरा है और लाइक कैमरा काफ़ी स्नैपी है। इसके मैंने कुछ शॉट्स लिए हुए थे बाहर जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इसके ऊपर ही। ये देखिए इसमें काफ़ी डिटेलिंग बहुत अच्छी आ रही है। ये मैंने जो है फ्रंट फेसिंग कैमरा यानी 5 मेगापिक्सल जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है उससे ये पिक्चर लिया हुआ है और ये जो पिक आपको दिख रही है ये मैंने 13 मेगापिक्सल कैमरा के रियर फेसिंग कैमरा से लिया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें क्लैरिटी काफ़ी अच्छी क्लैरिटी है। अगर इसको मैं जूम भी करता हूँ तो इसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आता है पिक्सल्स का। इसमें कुछ मैंने वीडियो भी लिए हुए हैं टेस्ट वीडियो, वो ये वीडियो मैंने इसके 13 मेगापिक्सल कैमरा के रियर कैमरा से लिया हुआ है। इसके दोस्तों जूमिंग में थोड़ा सा पिक्सल इफेक्ट है, जैसे अभी देख रहे हैं थोड़ा सा पिक्सल्स इसके हल्के से बोल सकते हैं ब्लर हो रहे हैं इमेजेस, लेकिन ओवरऑल अगर मैं नॉर्मल इसको विदाउट जूम अगर ये कैप्चर करता हूँ तो इसका क्लैरिटी जो है क्वालिटी थोड़ा अच्छा है, डिसेंट क्वालिटी है। ओवरऑल मैं बोलूँ दोस्तों अगर इसका तो फ़ोन का जो यूनिबॉडी है बहुत अच्छा है, लुक एंड फील बहुत प्यारा है, लेकिन इसका बैटरी थोड़ा बेटर हो सकता था क्योंकि इसमें बैटरी सिर्फ 2730 mAh का बैटरी दिया हुआ है और इसका जो कैमरा है वो थोड़ा और बेटर हो सकता है। तो दोस्तों ये था रिव्यू वीवो के Y55s स्मार्टफोन का। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स, स्मार्टफोन रिव्यूज़ एंड सम गुड टू नो इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।